सिवनी जिले के ग्राम बखारी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं और ग्राम प्रधान ने भी रक्तदान किया। ग्राम बखारी में जनहित कार्यों की श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक कार्य दिनांक 28 जनवरी को जुड़ गया है। जब ग्राम में प्रतिवर्ष के अनुसार आयोजित रक्तदान शिविर के ग्राम युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए ग्राम की नवनियुक्त सरपंच श्रीमती मंजू सेंगर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बखारी में पहुंचकर रक्तदान किया गया। ज्ञातव्य हो कि ग्राम बखारी की साई सेवा समिति द्वारा हर वर्ष आयोजित साई महोत्सव के अंतर्गत रक्तदान शिविर रखा जाता है, जिसमें समिति के सदस्य और ग्रामीण युवाओं के द्वारा रक्तदान करते हुए किसी के जीवन को बचाने का पुनीत कार्य किया जाता है। इस वर्ष आयोजित शिविर में सरपंच सहित 26 से अधिक युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। अपने इस अभियान के बारे में कुछ आपको जानकारी अवगत कराने जा रहा हूं। हमारे लगभग 10 साल के सार्थक प्रयास से निरंतर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, और प्रति साल हम आस पास के विद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालयों को निःशुल्क शिक्षा के रूप में हम प्रदान करते हैं। और इस साल भी हमने प्रतिवर्ष अनुसार सभी क्षेत्र के विद्यालय में जाके और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हमने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। और सर लेकिन पूरे नहीं आ रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घुमा दे। रक्तदान जो भी आपने किए, कितने बार किए हैं और इसको करने से क्या महसूस होता है? आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे ग्राम बखारी में विगत 6-7 वर्षों से साई सेवा समिति के तत्वाधान में लगातार ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ के युवा साथी बुजुर्गों के द्वारा भारी संख्या में लोग आके हमारे यहाँ रक्तदान करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रक्तदान हमें करना चाहिए। इससे हमारे रक्त से किसी एक व्यक्ति के यदि जीवन बचता है तो हमारे इस धरती पर जन्म लेने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। तो रक्तदान हमेशा हमें करते रहना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।